तो देख सकते हैं अदर क्वालिटी में इसकी जरूर कवर करना चाहूंगा। ये देख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ थनों में जो अंतर है वो भी काफी सराहनीय है। और ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं पूरी तरह विकसित जो दूध के कूप हैं ये काफी सराहनीय, ये देख सकते हैं। पीछे से भी मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं पूरी काली पूंछ में, ठीक है। हालांकि पूंछ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सींग उतने महत्वपूर्ण नहीं है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका जो पशुधन है वो उच्च क्वालिटी का हो, दुधारू हो। तो यहाँ पर एक बार फिर देख सकते हैं मोनवीर कुंडू सर को, ये देख सकते हैं। तो क्या कुछ खासियत है, उम्र में काफी कम लग रही है ये जो झोटी है, उसके बारे में तो सब जरूर बताएं। सर अभी ये चार दांत है फिलहाल, और इसकी हाइट देखो आप, बिल्कुल नॉर्मल मीडियम हाइट होते हैं ना वो हाइट है, ये देख सकते हैं। पास जाएं, इसके पास जाएं, ठीक है, ये देख सकते हैं तकरीबन तकरीबन कमर से थोड़ी सी ज्यादा ऊंचाई है। और ये देख सकते हैं क्वालिटी, देखोगे आप देखते रह जाओगे, ये देख सकते हैं इतना है तो वजन नहीं ले उठी और इतना है भैंस में। तो देख सकते हैं जो बताया है कि इतना ही वजन देखने से लगता है कि भैंस में है, और उतना ही इसकी दूध उत्पादन क्षमता देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ दूध उत्पादन क्षमता है उसका आंकलन, आपको आंकलन के लिए एक रेफरेंस वीडियो जरूर आपको दिखाया जाएगा। तो ठीक है, लेकर के चलें, लेकर के चलें, मिल्किंग इसकी जरूर कवर करेंगे वीडियोस के माध्यम से। मेरी अपील है युवाओं से खास तौर पर कि अगर हम अच्छा खाना चाहते हैं तो अच्छा उगाना हमें ही सीखना पड़ेगा। जो ऑर्गेनिक दूध है, शुद्ध दूध है, जो पौष्टिक दूध है, वो किसी किसी मॉल में या किसी ब्रांडेड कंपनी की पैकेट वाले दूध में नहीं आपको मिल सकता। अगर वो शुद्ध दूध आपको चाहिए, पौष्टिक दूध आपको चाहिए, ऑर्गेनिक दूध आपको चाहिए, तो आपको अपना पशुधन खुद पालना, खुद रखना सीखना ही पड़ेगा। आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, एक बार अंदर से भी मैं इसकी अदर क्वालिटी जरूर दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं दूर दूर ठंड पासे हैं, हालांकि हाथ अदर के लगवाने से थोड़ा सा परहेज करती है, ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कौन सी जो भैंस है उसकी आप मिल्किंग दिखाने के लिए? सर सभी के लिए मिल्किंग हो नहीं सकती, तीन भैंसों की मिल्किंग करवा रहे हैं। चलो ठीक है, इसकी क्या कुछ खासियत है उसके बारे में और बताएं। ये जो भैंस है सामने, ये हमारे पास आई थी जब इसमें 22.5 लीटर दूध तैयार था, ठीक है, और ये भिवानी से ऊपर से आई है, ठीक है, और लेकिन अभी हमारे पास आने में थोड़ी जगह चेंज हुई है। हाँ हाँ। और ये कल ही आई है, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट देती है, क्या नहीं देती है, ठीक है। ये देख सकते हैं अदर क्वालिटी में इसकी भी जरूर दिखाना चाहूंगा। थन पासे पूरी तरह विकसित हो, थनों के बीच में सही सटीक अंतर जरूर हो, किसी भी प्रकार की टेढ़ी तिरछी लेवटी ना हो। दूध निकालते समय जरूर देखें कि कोई छर्रा पपैया ना बने। तो ये जब कोई भी पशुधन खरीदते हैं तो उस समय इन विशेष बिंदुओं का ध्यान जरूर रखें। और ये देख सकते हैं इसको अभी थोड़ा, ठीक है, इसमें थोड़ा भाव है अभी, ठीक है, ये मैला छटाव आ नहीं है, 9-10 दिन की ब्याई हुई है, ठीक है, काफी अच्छी पे फैलो है, ठीक है। ये देख सकते हैं अदर क्वालिटी हमें इसमें भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है, कोई बात, ये देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब पशुधन ब्याता है तो कई बार दर्द की वजह से सूजन कई बार इस थनों पर आ जाती है, कई बार उस थनों पर आ जाती है, कई बार अगले थनों पर चली जाती है, कई बार पिछले दोनों थनों पर आ जाती है। तो इस तरह की चीजें जरूर होती हैं, हालांकि 2-3-4-5 दिन के बाद समय के साथ ये चीजें चली भी जाती हैं। ये देख सकते हैं आप छोटे थन हैं, तो क्या कुछ उम्र है इसकी, कौन से ब्यात में, सेकंड टाइमर, ये देख सकते हैं मुर्रा बफलो, नीचे मेल काफ है, फीमेल काफ है, इसके नीचे फीमेल काफ है, फीमेल काफ है, ये देख सकते हैं। तो ये कहां पर आपने सेल की है? ये सर ग्वालियर के पास जाएगी, हमारे एक फौजी भाई है उनके पास जाएगी। तो देख सकते हैं मिलिट्री में है सर, आर्मी में है, और उनके पास ही मुर्रा पशुधन जाएगा, ठीक है। काफ को खोल दें और बाल्टी ले आए और मिल्किंग दिखाए इसकी, ठीक है। जो लाल यूनिफॉर्म में जो है, लाल कपड़ों में जो है, उन्होंने काफ को छोड़ दिया है, ठीक है। ये
यहाँ पर देख सकते हैं नंबर तीन, इस वीडियो के माध्यम से तीन भैंसों की आपको एक रेफरेंस वीडियो जरूर दिखाई जाएगी, क्या कुछ मुर्रा पशुधन का, उम्दा पशुधन का दूध उत्पादन क्षमता होता है वो उसका आप एक छोटा सा अपने स्तर पर एक आंकलन ले सकें। हैं नंबर एक पर जो है उन्होंने काफ को बांध दिया है, ठीक है, खाली बाल्टी उल्टी करके दिखा दिया, ठीक है ठीक है, निकालना शुरू कीजिए। और नंबर तीन पर ये देख सकते हैं तकदीर कुंडू सर हैं, ठीक है, खाली बाल्टी उल्टी करके एक बार जरूर दिखाएं, ये देख सकते हैं काफी सराहनीय है, ठीक है निकालें। नंबर दो पर खाली बाल्टी आप देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो के दौरान कोई भी कट कोई भी एडिटिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो जो मिल्किंग है वो सत्यापित तौर पर ही आपको दिखाई जाएगी। हाँ ठीक है, नंबर दो पर उल्टी बाल्टी, ठीक है, तो देख सकते हैं नंबर तीन पर तकदीर सर के पास जो बाल्टी है वो ऊपर तक पूरी तरह लबालब भर चुकी है, ये है शुद्ध दूध, ठीक है। नंबर एक पर देख सकते हैं एक बाल्टी भर गई है और दूसरी बाल्टी ये देख सकते हैं, ठीक है, उल्टी करके दिखा दिया, ठीक है, ले आए सामने ले आए, हाँ कैमरे के सामने रखिए प्लीज, ठीक है, जगह छोड़ दें, ठीक है। तो भारत में अगर हम चाहते हैं कि सही मायने में फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अगर आप आए, तो दूध और दूध आधारित जो खाद्य सामग्री है वो हमारे लिए हमारे आहार में एक अहम हिस्सा है, और भारत के जो नौनिहाल हैं जो हमारी भावी पीढ़ी हैं उनके लिए जब तक हम शुद्ध दूध सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक जो सुदृढ़ता जो बलता एक भारतवर्ष में हम चाहते हैं कि भारत का भविष्य किस प्रकार से हो, ये देख सकते हैं खाली बाल्टी करके दिखा दिए तकदीर सर के पास नंबर तीन पर जो भैंस है ये देख सकते हैं, ठीक है। Thank you.
ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसी के साथ रख दें, ठीक है ठीक है। ये नंबर तीन पर जो भैंस है, ठीक है, मिल्किंग में जो नंबर दो पर जो स्टाफ है वो थोड़े से स्लो हैं, दो नंबर पर जो मिल्किंग की बाल्टी है वो अभी नहीं आई है, ठीक है। नंबर एक पर जो है तकरीबन मिल्किंग कंप्लीट करते हुए ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ले आए, एक के साथ रखें बाल्टी को, एक के साथ रखें, साथ ये देख सकते हैं एक नंबर की मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और बस 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 तीन नंबर की ये देख सकते हैं, ठीक है। विंग मशीन को तैयार करें, हाँ ठीक है, मेरी तरफ कर दें, मेरी तरफ मुंह कर दें, बस बस ठीक है। ये देख सकते हैं दो की भी तकरीबन मिल्किंग कंप्लीट यहां पर होते हुए वेइंग मशीन पर वेट जो है वो जीरो कर लिया गया है, ठीक है। बाल्टी रखें इसके ऊपर, ये देख सकते हैं एक केजी का जो वेट इन्होंने रखा है, 1 किलो 10 ग्राम वेट, तो जो इन्होंने कांटे को जो सत्यापित करवाया है वो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं जीरो, ठीक है। फिर रखें कांटे को, 1 केजी वेट को, ये देख सकते हैं 1 केजी तकरीबन 10 ग्राम का वेरिएशन है, तो वो आप अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। ये बाल्टी रख दी है 660 ग्राम की बाल्टी, और ये इसका वेट काट लिया है, ठीक है। नंबर एक का डालिए, नहीं नहीं आप इसको यहीं रखा रहने दें, बाल्टी को इसी में, हाँ इसी में पलटवाएं। ये नंबर दो की है, नंबर दो पे लगाएं, नंबर दो पे लेके आए, हाँ नंबर दो पर। ये दोनों बाल्टी नंबर एक की, ये नंबर दो की, ये नंबर तीन की, नंबर एक की डालें, ये देख सकते हैं 9 किलो 360 ग्राम, और दूसरी बाल्टी का जो दूध है ये देख सकते हैं तकरीबन 11.5 किलो दूध एक समय का, 11 किलो 410 ग्राम, बेहतरीन प्रदर्शन मोनवीर कुंडू सर का। फार्म पे आए 3 दिन हुए इसको भी, अच्छा अभी फार्म पर आए हुए 3 दिन ही हुए हैं, ठीक है, काफी सराहनीय। ठीक है रख दें, ये देख सकते हैं जीरो, ठीक है डालें। नंबर दो पर जो भैंस थी उसका जो मिल्क रिकॉर्ड है, क्या कुछ दूध वो दर्ज करवाती है वो देखते हैं। ये देख सकते हैं तकरीबन 9 किलो के आसपास, 8 केजी 860 ग्राम, तो तकरीबन 150 ग्राम के आसपास कम है, ठीक है 9 किलो में से, ये देख सकते हैं। आज जो वाइट पेंट, मेलामाइन, शैम्पू, साबुन, इस तरह की चीज़ें मिला करके और कृत्रिम दूध तैयार कर दिया जाता है, उसके ठीक विपरीत आप ये देख सकते हैं शुद्ध दूध। 3रे नंबर पर जो भैंस थी तकदीर सर ने ही जिसकी मिल्किंग की थी वो देख सकते हैं आप, 10 किलो, काफ़ी सराहनीय है, ये देख सकते हैं 2 डिजिट का आंकड़ा यहां पर टच करते हुए 10 किलो 10 ग्राम एक समय का दूध, काफी सराहनीय। तो ये देख सकते हैं मुर्रा पशुधन काफी अच्छा रखते हैं, भारत के तकरीबन हर एक प्रदेश में उपलब्ध कराते हैं, तो 2-3 दिन की ही अभी आपकी भैंसें आई हुई है। सर मैं उसको 25 लीटर प्लस यहीं पे HLDB पे रिकॉर्ड करवाऊंगा बहुत जल्द, मेरी कोशिश है। जिसने अभी तकरीबन 11.5 किलो के आसपास दूध दिया है, हाइट में छोटी है, हाइट में सब मुरा पे, लेकिन देखो दूध होना चाहिए, मैं तो दूध भाई मैंने कहा कि हाइट में छोटी है या बड़ी है वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दूध उत्पादन क्षमता उसमें क्या कुछ है वो ज्यादा मायने रखता है। तो देख सकते हैं काफी अच्छा मुर्रा का पशु है, ये देख सकते हैं जैसे कि नींबू जिस तरह से निचुड़ जाता है उस तरह से देख सकते हैं आप इसके टिट्स, तो ये क्वालिटी भी जरूर रखें, फोका आर्डर ना हो। फोका आर्डर का मतलब है कि
कि दूध निकालने के बाद भी अगर तना हुआ रहता है तो वो ऑर्डर कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करता है। तो काफी अच्छा मुर्रा का पशुधन हमें यहाँ पर देखने को मिला, गांव टिटोली मोनवीर कुंडू सर का फार्म, और ये देख सकते हैं काफी अच्छा, ये देख सकते हैं काफी अच्छा प्रदर्शन युवा पशुपालक के द्वारा, युवा किसान के द्वारा। तो क्या कुछ आपके कॉन्टेक्ट नंबर हैं वो भी मैं जरूर जानना चाहूंगा सर। 98129 30814 999 254 64 34। तो कोई भी अगर आपसे संपर्क करना चाहता है तो इन दोनों पर व्हाट्सएप भी है। हाँ, दोनों पे व्हाट्सएप है। तो काफी काफी अच्छा मुर्रा का पशुधन एक बार फिर गांव टिटोली। एक बात कहना चाहता हूँ सर, प्राइवेट सीमन ना ले, केवल सरकारी सीमन के ऊपर चले, और किसी भाई को इनके रिकॉर्डों की जरूरत है, कितने भी ब्रीडर है, कितने भी फेमस बुल है, सभी रिकॉर्ड मेरे पास है, कभी भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं एक छीटा कसी ये करते हुए, और ये काफी अच्छा मुर्रा का पशुधन। ये बुल देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं रोब, जो एक मर्द का जो रोब होता है वो इस बुल के व्यक्तित्व में हमें बखूबी देखने को मिल रहा है। राजा नाम का बुल जो कि M29 का बुल है, ये देख सकते हैं सिंह का, जिसने हाल फिलहाल में नुकसान जरूर हमें देखने को मिल रहा है। इसकी गलती नहीं है, इसका परिवार ही ऐसा है, इसका बाप वो यही सिंह कटवाया हुआ, इसका दादा था वो, ये भी सिंह देख सकते हैं, चोटी इसने काफी लगवाई है।